नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सोफे का पाया कटिंग करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये एक धार सीधी कर लेनी है, उसके बाद एक गुनिया से निशान कर लेना है और बाटम से उसको सीधा गुनिया में काट लेना है। और अब हम क्या करेंगे, हाइट में 30 इंची निशान लगाने वाले हैं और इसको भी गुनिया से निशान खींच लेते हैं और वापस से 6 इंची पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ। और हाइट में काटने वाले इसको हम 26 इंची ऊपर की तरफ 2.5 इंची पर निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हमने सारे निशान कर लिए हैं और कटर मशीन की मदद से इन सारे निशान को बचा बचा कर सारे कट निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे कट लग चुके हैं। अब जो माल बच रहा है इसको आरी की मदद से हटा देंगे और लगभग हमारा पाया कट कर तैयार हो चुका है। अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। जब हम इसका फुल वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।